नमस्कार करता हूँ। जी न्यूज़ ब्लॉगर के दर्शकों को नमस्कार दर्शकों, और हम बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र जी क्या कहना चाहोगे जो ये घटना के नाम हुआ है। मैं सभी से पहले आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर किरोड़ लाल जी आधा घंटे के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं, और एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज मार्केट बंद रहा है, और मार्केट का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं मार्केट वालों से सबसे पहले निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर किरोड़लाल से आकर के मिलें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। इसमें ना तो कोई कांग्रेस का मामला है, ना कोई बीजेपी का मामला है, एक पीड़ित परिवार का मामला है। और ऐसी स्थिति में परिवार कल दो दिन से भूखा पड़ा है, प्यासा पड़ा है, और ऐसी स्थिति में उस परिवार की जो डिमांड है, लोगों की डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारी मांगों को सरकार के पास पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से हमने बुलाया डॉक्टर साहब को निवेदन किया है, डॉक्टर साहब से निवेदन करने के बाद में डॉक्टर साहब पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को लाभ मिलेगा। लेकिन आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो लाभ दिलाने की बात है, वो उन लोगों को ज़्यादा एकत्रीकरण से इस परिवार को, गरीब परिवार को, इसकी पत्नी को, इसके बच्चों को, इसके माँ बाप को लाभ मिलेगा। आप लोगों का एक बहुत बड़ा हृदय है, आप लोगों ने आज मार्केट बंद रखा, आप लोगों ने सहयोग किया। यहाँ हर जाति का, हर धर्म का, हर समाज का व्यक्ति यहाँ मौजूद है। पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी मौजूद हैं, सरपंच अजय राज मौजूद हैं, अनंत बड़ीला मौजूद हैं, भानु पारिक मौजूद हैं, नरेश दुबे मौजूद, मतलब जो भी सारे समाज के लोग हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में जब तक हटने का कोई प्रश्न नहीं है, हमने ये प्रशासन को कह दिया है, प्रशासन हमारी बात को पूरा तरीके से सरकार को रखेगी। सरकार को रखने के लिए हमने ये कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो कल तिया भी यहीं होगा और अस्थियाँ भी यहीं टंगेंगी। जब तक अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अस्थियों का विसर्जन तभी होगा, उन्होंने संस्कार तो करवा दिया प्रशासन ने पार्टी को बेला फुसला करके, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने एक सफलता हासिल की है कि मर्डर होल्डरों को पकड़ लिया, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जो काम किया, आज हमारी मांगें जो हैं 50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने की, एक नौकरी देने की, और जो भी व्यवस्था सुरक्षा की हो सकती है वो सुरक्षा व्यवस्था की, ये मांगें पूरी होंगी जब ही यहाँ से अस्थियाँ गंगा जी को जाएंगी। ये ऐसा सब लोगों का है, अगर कल शाम तक ये प्रणाली अपनाई नहीं गई और नहीं की गई तो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से लोग एकत्रीकरण होंगे, और फिर आगे की जिम्मेदारी, अशांति होगी उसकी जिम्मेदारी सारा प्रशासन झेलेगा। धन्यवाद, जय श्री राम। क्योंकि डॉक्टर साहब लालों के लाल और राजस्थान के तो लाल हैं, और हर पीड़ित को न्याय देने में विश्वास अब तक हैं। की तारीख में जोशी जी, अब तक की तारीख में ये घटनाएं घटी हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पूर्व में भी लोगों की नौकरी लगवाई है, पूर्व में भी लोगों को अनुदान से स्वीकृत करवाया है, पूर्व में भी बहुत सारे लोगों के साथ दिया है, और उन्होंने जीवन भर संघर्ष करके गरीबों का ही साथ दिया है, और वो आज भी इसी प्रणाली से और संघर्ष करके और किसी भी प्रकार में सूरत में, मेरा जहाँ तक मानना है, वो सारी व्यवस्था करके ही जाएंगे, इससे पहले वो भी नहीं जाएंगे। आपकी बात ही डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो पीड़ित के साथ में। लेकिन डॉक्टर साहब अभी कहने की स्थिति में किसी को ऐसा थोड़ी कहेंगे, वो आप लोगों से वार्ता करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, पीड़ित परिवार से पूछेंगे उनकी क्या इच्छा है, और सब समाज, सारा समाज उनके सामने अपनी मांग रखेगा। डॉक्टर साहब एक हमारे ऐसे लीडर हैं जो गरीब का सहायता देते हैं, गरीब के साथ हर सर समाज के साथ में रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब का हमने इतिहास देखा है, चाहे वो सरकार में रहे हो चाहे सरकार में नहीं रहे हो, क्योंकि अब तो सरकार में है तो न्याय तो मिलना है ही उनको, और जब डॉक्टर साहब ही आ रहे हैं तो बिल्कुल उनको न्याय की घोषणा करके जाएंगे डॉक्टर साहब, पूरी पूरी आशा, और वो निश्चित रूप से न्याय की घोषणा करके जाएंगे, न्याय करके जाएंगे। हम उनसे डिमांड रखेंगे डॉक्टर साहब के, चाहे कुछ भी पैर पकड़ने पड़े हमको, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम जाने नहीं देंगे डॉक्टर साहब को जब तक संघर्ष पूरा नहीं होगा हमारा। और दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि पीड़ित परिवार को
राहत मिल सके और राहत मिलनी चाहिए। आधा घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। सभी से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब से ज्यादा संख्या में मिले लोग, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलकर के ये मांग करें। ये कलेक्ट्री पे सब लोग एकत्रीकरण हो रहा है, एकत्रीकरण में कलेक्टर साहब के पास में ही डॉक्टर साहब बैठेंगे, क्योंकि जो जिले के कप्तान है, एसपी साहब हैं, वो भी बधाई के पात्र है। उन्होंने 2 घंटे के अंदर मात्र कड़ी मेहनत करके 2 घंटे में बिल्कुल 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 हत्यारे हैं इसके सारे, बिल्कुल उनको धन्यवाद दे दिया है हमने, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को, दोनों को धन्यवाद दिया है। लेकिन जो बाकी की जो मांगे हैं उनके लिए हमने सरकार को, और फालतू के लोग जो आते हैं, बीजेपी हाय हाय या कांग्रेस हाय हाय या फलाना हाय हाय, यहाँ कोई हाय हाय करने वाला नहीं आएगा। यहाँ तो सर्व समाज का मैटर है, यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी का मैटर नहीं है। हम सारा सारा समाज, सारा सारा छत्तीस कौम, सारा धर्म जो भी हैं, वो सब इस बात के लिए एग्री हैं, और सारा समाज ही इसके लिए डिमांड कर रहा है। धन्यवाद है एसपी और कलेक्टर को। कुछ ही समय बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पीड़ित परिवार को राहत भी मिलने की पूरी संभावना और भी दिला चुके हैं वो लोग। डॉक्टर साहब अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़े पहले पहले भी दिला चुके हैं। गंगा पुष्टी की जनता पूरी इंतजार कर रही है कि डॉक्टर साहब ये कैसे पलक पावने बिछा रखे हमने डॉक्टर साहब के लिए, मामले को समाज बैठा हुआ है, मामले को पूरी तरह से पीड़ित परिवार को राहत दे सकेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। और देख रहे हैं टेंट लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन का आज सुबह से ही चल रहा है, और कल से जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर जो परिवार जन है जो प्रदर्शन कर बैठे हुए हैं,